अब तो ये पिटीशन को ही रिजेक्ट कर डाले, मतलब 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हिंदुस्तान में कोई मोल ही नहीं रहा, कंप्लीट रिजेक्ट कर डाले। ये मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्या ये पूरे फैसलों पे कोई सियासती दबाव है? ये हमें समझना चाहिए। ज्ञानव्यापी मस्जिद की एक ईंट भी नहीं देने वाले, हम भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अपनी मस्जिद को महफूज रखेंगे। आज वाराणसी कोर्ट ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेके जो फैसला सुनाई, ये फैसला तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि राम जन्मभूमि का जो फैसला आया वो एविडेंस के बिना पे नहीं आया, आस्था के बिना पे आया। और वाराणसी कोर्ट 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पिटीशन को रिजेक्ट कर डाली, जो अंजुमन ए इस्लामिया मस्जिद कमेटी पेश करी, और राइट टू प्रे प्ली के ऊपर मोहर लगा डाली, एक्सेप्ट कर डाली। सबसे पहले तो मैं आपको यह बात कहना चाह रहा हूं कि जब ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे हुआ, वाराणसी कोर्ट जो सर्वे का दिए, उसी वक्त 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप के एक्ट को वॉयलेट करे, अब तो ये पिटीशन को ही रिजेक्ट कर डाले, मतलब 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हिंदुस्तान में कोई मोल ही नहीं रहा। अब ये जो फैसला है, ये फैसला कई दरवाजे और खोलेगा। कई जगहों पर अब मस्जिद के अंदर मंदिर है बोल के लोग पिटीशन डालेंगे और ये वर्डिक्ट का हवाला देंगे। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ऐसे फैसलों से हिंदुस्तान जुड़ता नहीं, हिंदुस्तान टूटता है। तो हम बेशक हिंदू मजहब और हिंदुओं की आस्था की हम खदर करते हैं, पर ये फैसला आप देखेंगे कि मस्जिद के अंदर मंदिर है, ये क्या अमनो सुकून का पैगाम फैलाएगा हिंदुस्तान में? और जो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कंप्लीट रिजेक्ट कर डाले, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्या ये पूरे फैसलों पे कोई सियासती दबाव है? ये हमें समझना चाहिए। मगर हम कोर्ट के और हाई कोर्ट के है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके फैसलों का भी हमें इंतजार है। सितंबर 22 को और एक हियरिंग है, और मेरे ये तवक्कुआत है कि अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी बेहतरीन तरीके से अपनी दलील पेश करेंगी और सबूत पेश करके बेहतरीन तरीके से लड़ेंगे। हमने एक मस्जिद गवा दिया आस्था के बिना पर, हम और मस्जिद आगे गंवाने वाले नहीं है। अगर से उनकी आस्था की खदर है तो बेशक हमारी भी आस्था की खदर रहना चाहिए। तो हिंदुस्तान का जो दस्तूर है सेकुलरिज्म के बिना पर है, अगर से हम हिंदुओं की आस्था की खदर करते हैं, हिंदू भी हमारी आस्था की खदर करना चाहिए। और जैसा मैं हर वक्त बताते चला कि काशी विश्वनाथ मंदिर है, बेशक वहां पर पूजा हो रही है, उसके सामने ज्ञानव्यापी मस्जिद है। अब वो मस्जिद का हिस्सा एक वक्त पे मिसमार कर दिया और कहा जा रहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर का यह हिस्सा है, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि कोई भी मंदिर को मिसमार कर नाजायज जमीन पर अगर से कोई मस्जिद तामीर करता है तो वहां पर नमाज कबूल नहीं होती। तो जो मस्जिद तामीर करे उस वक्त उनको बेहतरीन तरीके से मालूम कि वो वहां पर मंदिर की जमीन नहीं थी, इसीलिए बोल के मस्जिद वहां पर तामीर की, ये बात समझना चाहिए। और रही बात अब कोर्ट के फैसले की, अब हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है बल्कि अब इंतजार करना है सितंबर 22 का वो हियरिंग क्या होगी। और अगर से वो हियरिंग भी खिलाफ जाती है हमारे, तो हम बेशक हाई कोर्ट को जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे, वह हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम ज्ञानव्यापी मस्जिद की एक ईंट भी नहीं देने वाले, हम भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अपनी मस्जिद को महफूज रखेंगे। जय हिंद, खुदा हाफिज़।